हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जानेंगे कि डीपे के बारे में। डीपे के नाम ने आपने अगर पहले हो तो आप इस फिल्म में पहले सुन रहे हो। अगर आपने इस आपने तो फोन पे गूगल पे के नाम सुना ही होगा, पर ये है डीपे। डीपे के आपके लोगों सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने डीपे को चला कर ले रखा हूँ। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में जो भी लगा ना उसे भी दबा दीजिए। तो वीडियो को शुरू कर दे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरा तो डीपे है, मैंने खोला। यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हर एक चीज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो चलो इसके देखते हैं क्या ऐसे रिसर्च करते हैं। आप यहाँ पर ऐड मनी करके भी रिसर्च कर सकते हैं। आप इस पर ऐड मनी करके रिसर्च कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी डायरेक्ट अकाउंट से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप UPI जो भी है आप रिसर्च कर सकते हैं। तो चलो रिसर्च कैसे करते हैं पहले देखते हैं। आप अगर मोबाइल रिचार्ज करना, कोई भी मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए मोबाइल प्रीपेड, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सिंपली एक नंबर दबा दीजिए। सिंपली मैंने एक नंबर दे दिया। यहाँ पर देखिए आप ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नहीं लिया तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको सिलेक्ट ऑर्डर कर दीजिए। एयरटेल, BSNL, आपका जो भी सिम कार्ड है, वोडाफोन, आइडिया, आप मैं एयरटेल कर देती हूँ, वेस्ट बेल कर देती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कितना रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको देखना चाहते हैं, आप किसी तरह के ऑफर देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको सिंपली आपके यहाँ ब्राउज प्लान पर क्लिक करना है। प्लान पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर प्लान दिखाई देगा कि ये आपका एयरटेल का जो नंबर है ये ऑफर है। अगर आप स्मार्ट रिचार्ज कर सकते हैं जो अभी 49 का है, यानी कि आपको 28 दिन के अंदर 49 का रिचार्ज करना है और 49 का रिचार्ज करने से आपको 38.52 पैसा देगा और इसको आपको इस 28 दिनों के अंदर ही ख़त्म करना है, नहीं तो आपका जो उसके बाद आपके 28 दिन के बाद ये पैसा ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर 49 का रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यानी 49 इसका सिंपली 49 पर क्लिक कर दीजिए। मैंने बोल रही है 48 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो टोटल वैल्यू है वो है 48। नीचे दिखा रहा है कि इंस्टेंट कैशबैक 3.00%, यानी कि 100 रुपये में आपको 3% देगा, यानी कि आप अगर 48 रिचार्ज करेंगे तो 1.44 रुपये आपको कैशबैक इंस्टेंट मिलेगा। तो चलो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना। उसके बाद ऊपर देखिए यूज़ योर क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस जो आपका वॉलेट का बैलेंस है वो से आप रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेक पेमेंट पर कर दिया। मेक पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आपको यहाँ पर से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखिए सेफ कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM पिन, नेट बैंकिंग, UPI, पे लेटर, बहुत सारे ऑप्शन है आप और ये जो है वो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा, हर एक कार्ड को एक्सेप्ट करता है। सिंपली आपको यहाँ पर अगर डेबिट कार्ड हो या फिर UPI हो, किसी भी तरह के आप यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च का जो ऑप्शन है वो दे दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, फिर OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद और सबमिट करने के बाद ही रिसर्च हो जाएगा। तो ये आप देखिए, और डेबिट कार्ड अगर न्यू डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ द कार्ड, बैंक नेम, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया। ऐसे करके आप रिसर्च कर सकते हैं आपका जो है। मैंने तो रिसर्च कर लिया, मैंने ये दिखा। यहाँ पर आप रिकल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर जो नो और यस है उसका आपका हाइट दिखाई देगा। आपको सिंपली वहाँ पर ही क्लिक करना है। यस देखिए राइट साइड पर यस है और लेफ्ट साइड पर नो है। आपको यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस या रिचार्ज अमाउंट 48 इज नॉट डन, स्टेटस नॉट डन। अगर आपका रिचार्ज हो जाए तो यहाँ पर दिखाई रिचार्ज सक्सेसफुल या फिर रिचार्ज सबमिटेड, यानी सबमिटेड यानी कि पेंडिंग, वो थोड़ी देर ही बाद ही तुरंत रिचार्ज हो जाता है। मैंने भी कोशिश किया था। यहाँ पर देखिए मैंने जो रिसर्च किया, मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना रिसर्च किया। यहाँ पर देखिए रिसर्च हिस्ट्री, योर वॉलेट इज हियर, रिसर्च हिस्ट्री पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपने कितने कितने रिसर्च किया है, बहुत सारे के सारे दिखाई देगा। ट्रांजेक्शन ID भी सामने दे देगा। यहाँ पर देखिए 49 का मैंने पहला जो रिसर्च है वो मुझे किया था 19, यानी कि 19 रुपया का। यहाँ पर मैंने कुछ ही देर पहले रिसर्च किया था रिलायंस जियो 4G, उसके बाद एयरटेल का रिसर्च मेरे पास ज़्यादा होता है। मेरा एक दुकान है, मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ। यहाँ पर देखिए रिसर्च सक्सेसफुल, मैंने जो किया वो अभी तक आया नहीं, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो नॉट डन, यानी कि रिसर्च नॉट सक्सेसफुल, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आया। तो ऐसा करके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो चलो जस्ट समरी, यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे को कितना रुपया ऐड हुआ। यहाँ पर देखिए क्रेडिट 5.96, मैंने रिसर्च किया था 149 का, मुझे मिला है 5.96, यानी 100 रुपया के आसपास। 49 का मैंने फिर से एक रिसर्च किया था, उस पर भी 6.57, इसको 49, यहाँ मैंने के अलग अलग दे दिया मुझको 5.96। तो ये कौन सा ये मिला इसका, ये फर्स्ट कैश ऐड, पहला जो है वो ऐड होगा, उसके बाद रिचार्ज होगा, उस कैश क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा, फिर कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर देखें क्रेडिट हुआ 219, डेबिट हुआ 219 रुपया, और ऐसा करके आपका एक जिस पर तीन होगा, क्रेडिट
यानी कि सबसे पहले होगा आपका रिसर्च जो है, आप अगर 19 का रिसर्च करेंगे तो पहले आपका क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, फिर क्रेडिट होगा, ऐसा करके आप रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा करके आप रिसर्च करते हैं आपको कितना रुपया कैशबैक मिला वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा करके रिसर्च करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।